हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे हो। हम लोग कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 7वां मैच, जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन के बीच। ये मैच खेला जाएगा फ्रेंड मनुका ओवल कैनबरा के क्रिकेट ग्राउंड में। यहाँ पर 20% संभावना बारिश होने की भी है, लेकिन मोस्ट प्रॉबली मैच होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। फ्रेंड आपको पता है इंग्लैंड वुमेन की टीम हाईली रेटेड है, सेकेंड रैंकिंग में आईसीसी रैंकिंग में। वहीं थाईलैंड की टीम काफ़ी नीचे है। अभी वो इंटरनेशनल में बड़ी टीमों के खिलाफ पहला मैच इसके पहले खेली थी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बता दो फ्रेंड, यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन टीम जो है साउथ अफ्रीका से हार के आ रही है, वहीं थाईलैंड वुमेन की टीम भी हार के आ रही है। तो मे भी इस मैच में इंग्लैंड वुमेन की टीम बहुत अच्छे तरह से वापसी करने चाहेगी। इंग्लैंड वुमेन की टीम का जो है बैटिंग लाइन उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, इसलिए उनको अभी हाल में हार का सामना करना पड़ा। ब्याट जोन्स उतने फॉर्म में नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड लेकिन इस मैच में वो बिल्कुल फॉर्म में आने की पूरी कोशिश करेंगे। बी माउंट को काफ़ी नीचे खिलाते हैं फ्रेंड, अच्छी ओपनर बल्लेबाज थी, पता नहीं क्यों उसको बहुत नीचे कर दिए। मे भी प्रयोग भी कर सकते हैं अपना जो है ऊपर के बल्लेबाजों को फॉर्म में लाने के लिए, हो सकता है बी माउंट को भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है। फिलहाल के लिए ज़्यादा समय ना है तो उसके लिए हम लोग फ्रेंड आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी इस मैच से संबंधित कोई भी अपडेट मैं दूंगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए आपको दिखा देते हैं। टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन करके है फ्रेंड, टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन करके टीपी करके मिलेगा ग्रीन में, टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन। इस पर आप लोग जरूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, इस पर मैं अपडेटेड टीम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि टास्क के बाद कंडीशन बदलेगी, कमज़ोर टीम पहले खेलेगी तो हो सकता है मुझे 4 से 5 बॉलर पूरे पिक करने पड़े इंग्लैंड के, तो उस हिसाब से हम लोग टीम बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग फ्रेंड जो है पहले तो इस पर आप लोग आ जाइए टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन पर, इस पर मैं अपडेटेड टीम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। प्लेइंग 11 पे आ जाइए, मे बी कोई चेंजेस दिख नहीं रहा है इंग्लैंड की टीम में, वहीं पे थाईलैंड ओमन की टीम में भी कोई जो है चेंजेस दिख नहीं रहा, सेम खिलाड़ी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड आपको बता दूं इधर से इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके पास कौन कौन है थाईलैंड की तरफ से, चहनतम छिवाई। चहनतम का हालिया फॉर्म अच्छा है, लेकिन छिवाई इनसे अच्छी बल्लेबाज है, लेकिन चहनतम का हालिया फॉर्म अच्छा है, ओपन करती हैं। बुचातन बहुत अच्छी बॉल डालाई थी पिछले मैच में भी, 3 ओवर कुछ बॉलों में केवल 9 रन दी थी। और विकेट कीपर बल्लेबाज इनकी अच्छी बल्लेबाज हैं यही, और टीपोच लेफ्टा मार्थोडाक्स अच्छी बॉलर हैं, पंदुलगढ़ भी ठीक ठाक बॉलर हैं, सिदुरिंग भी अच्छी खासी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती हैं। लॉमी इनकी बेस्ट पिक लेग ब्रेक बॉलर हैं, सबसे अच्छी हैं, लते बॉलर हैं। बाकी फ्रेंड ओमा कोमा छोपू भी ठीक ठाक बॉलर हैं, लिंग प्रस्त एवरेज हैं, ठीक है। बाकी इधर से आप लोग देख लीजिए, ग्लेन बहुत अच्छी बॉलर हैं, इलेक्ट्रेसन सबसे बेस्ट बॉलर है, ब्रंट भी सरसोल भी, और इधर स्कीवर और नाइट भी। तो फ्रेंड आपको इस मैच में स्ट्रेटजी में बता देता हूँ, आप लोग डायरेक्ट उसको देख लीजिएगा कुछ चीज़ें जिसके साथ हम लोग खेलना चाहेंगे। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कराती है तो आप लोग ध्यान देना, आप ग्लेन के साथ बहुत कम लोग जाएंगे, इलेक्ट्रेसन सरसोल ब्रंट और स्कीवर और ग्लेन के साथ, पाँचों के साथ जाके बैट और जोन्स के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। 5-2-7 कॉम्बिनेशन इधर कर लेना, और इधर आप फ्रेंड जैसे छिवाई के साथ चले गए और बुचातन और सिदुरिंग और बॉलिंग में लॉमी के साथ चले जाना, तो ये टीम भी आपकी बन सकती है। बाकी सिदुरिंग के स्थान पे एक काम आप कर लेना कि अगर पहले बैटिंग थाईलैंड की रहेगी तो विकेट कीपर को पिक कर लेना, ठीक है। विकेट कीपर को भी आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कॉम्बिनेशन बना लेना फ्रेंड, फिलहाल के लिए ऑल आउट होने की संभावना है। लेकिन आपको एक चीज़ थाईलैंड ओमन के बारे में बता दूँ, थाईलैंड ओमन की टीम रन कम बनाएगी लेकिन ऑल आउट जल्दी होती नहीं है, 6-7 विकेट गिराएगी, 8 गिराएगी। विकेट गिरेंगे तो काफ़ी स्लो भी खेलते हैं, तो एक इनकी क्वालिटी है 6 से 7 ही 8 विकेट गिराते हैं, रन कम बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मे भी मैच यहीं पे फिनिश हो जाए, ठीक है। तो इसलिए बॉलर पे जो भी रखना, पहले बॉलिंग आएगी तो इस कीपर को कैप्टन, इलेक्ट्रेसन को वाइस कैप्टन बिल्कुल बना सकते हो, या इलेक्ट्रेसन को कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि हर मैच में 102 विकेट लेती है, 60, 65, 70, 80 रन के मैच रहेंगे। तो एज ए बिग जो है वाइस कैप्टन कैप्टन यही बेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये लोग उतना पॉइंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पहले बैटिंग कंडीशन थोड़ी दूसरी जगह, तो आज ये मैं ड्रीम इलेवन टीम आपको एक डायरेक्ट दिखा देता हूँ फ्रेंड, उसके बाद मैं आपको अपडेटेड टीम प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। ये टीम का प्रीव्यू फ्रेंड आप लोग देख लीजिए, ये इंग्लैंड अगर पहले बॉलिंग कराती है उस कंडीशन की टीम रहेगी, इंग्लैंड अगर पहले बॉलिंग कराती है उस कंडीशन की टीम रहेगी, और इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है उसकी टीम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ पे चैंतम पे जो है नाइट को पिक कर लेना फ्रेंड, यहाँ पे नाइट को पिक कर लेना, और ग्लेन या सबसोल पे, ठीक है, सबसोल या ग्लेन पे आप जो है यहाँ पे एक खिलाड़ी इधर से लॉमी उसको पिक कर लेना, ठीक है।
और इन पे सुदरिंग को पिक कर लेना, ठीक है? तो ये तीन चेंजेस आप कर लेना, ठीक है? अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड, यहाँ पे सुदरिंग को कर लेना और चैंथम पे नाइट को कर लेना और ग्लेन पे लाओमी को पिक कर लेना, ठीक है? पहले बॉलिंग कंडीशन पे, ठीक है फ्रेंड? कैप्टन स्कीवर को ही रहने देना, वाइस कैप्टन नाइट को क्लिक कर लेना, ठीक है? तो ये हमारी टीम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड? नहीं, अगर पहले जो है बैटिंग करेगी तो हाँ, वाइस कैप्टन आप जोन्स को पिक करना, ठीक है? तो ये पहले बॉलिंग के कंडीशन पे इंग्लैंड, अगर पहले बॉलिंग कंडीशन, इस टीम से आप बिल्कुल स्मॉल लीग में जा सकते हो। नाइट प्राय अगर विकेट गिरता है तो बॉल नहीं डलाती हैं, डला भी सकती हैं, आपको अगर रिस्क लेना होगा तो ही जाइएगा, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ पे नाइट पिक करके, यहाँ पे लाओमी को पिक करके भी इस टीम से आप जा सकते हो, ठीक है? बाकी फ्रेंड आप लोग समझदार खुद ही हो, उसी हिसाब से आप लोग लगाना। आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को पसंद करोगे और सब्सक्राइब कर लियोगे, और शेयर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड।